अच्छा, तो आज हम पढ़ रहे हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10। तो हम थोड़ा देख लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 जो है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 जो है ये क्या है। ये अगर हम इसकी बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 जो है एक अदद ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यहाँ हम लिख लेते हैं, इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसको बनाने वाली कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट। और ये जो सॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर वगैरह बनाती है जो दीगर कंप्यूटर की इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो अब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इस ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम के सॉफ्टवेयर को, चलो बैठ जाओ, ठीक है, बनाया है। और यहाँ पर ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी है, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। अब माइक्रोसॉफ्ट जो है वो सॉफ्टवेयर बनाती है, तो उसने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसका नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10। अब इसको देख लेते हैं, विंडोज क्या है। विंडोज इज द नेम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। आप समझ में आ रही है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम है जो सॉफ्टवेयर बनाती है, और विंडोज जो है उसके ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, जो सिंस 90s से, कब से, जो सिंस 90s से मार्केट में रिलीज होता आ रहा है डिफरेंट नाम से, ठीक है, 1990 से ये रिलीज होता हुआ आ रहा है। अब ये जो आगे लिखा हुआ है 10, 10 क्या है, इज द नेम ऑफ वर्जन, ये इसके वर्जन का नाम है। यानी कि अगर अगर हम 10 से पहले वाले वर्जन की बात करें तो उससे पहले जो वर्जन थे इसके वो थे 7, 8, और उससे पहले जाते हैं तो XP, विस्टा, ये इसके वर्जन के नाम है। फिर 7, 8, फिर आया 10, और फिर उसके आगे अभी जो और बिल्कुल लेटेस्ट की बात करें, बिल्कुल अब तक जो लेटेस्ट है वो है विंडोज 11 के नाम से, ठीक है। तो उसका पूरा नाम क्या बनेगा, माइक्रोसॉफ्ट का इन शॉर्ट लिखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट MS विंडोज 11। ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इस टाइम मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये बातें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है किसी को, आ रही है समझ में, ठीक है। तो अब हम इसको सीखेंगे, तो इसमें क्या सीखेंगे, इसको हम सीखेंगे हाउ टू ऑपरेट ऑपरेट MS विंडोज 10, के विंडोज 10 को हम कैसे ऑपरेट करते हैं, ठीक है। क्या सीखेंगे, विंडोज 10 को हम कैसे ऑपरेट करते हैं। अब इसके जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है, अगर हम बात करें बेसिक कंसेप्ट ऑफ विंडोज, ठीक है, तो विंडोज के जो बुनियादी कॉन्सेप्ट हैं वो यहाँ से शुरू होते हैं कि एक कॉन्सेप्ट है जिसमें इसका इंट्रोडक्शन आ जाता है, और दूसरा है इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है फोल्डर और एक कॉन्सेप्ट है फाइल, ठीक है। तो यहाँ पर आपने समझना है। अब इंट्रोडक्शन में क्या आता है, यानी कि इंट्रोडक्शन टू, हम यू कह सकते हैं विंडोज आइटम्स एंड रीजन्स, ठीक है, मुख्तलिफ जो विंडोज के आइटम हैं और उनका जो रीजन्स हैं, एक उनका इंट्रोडक्शन पहले हम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो सबसे पहले हमारे सामने ये स्क्रीन आ रही होती है, इसको हम क्या कहते हैं, शाबाश, क्या कहते हैं इसको, हम डेस्कटॉप। तो सबसे पहले जो स्क्रीन हमारे स्क्रीन पे आ रही होती है सामने, इसको हम कहते हैं डेस्कटॉप, हमेशा याद रखिएगा, इसको हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में क्या क्या चीजें शामिल है, ये जो आपके सामने पिक्चर्स आ रही है छोटी छोटी सी बनी हुई, इनको हम कहते हैं आइकॉन्स। आइकॉन्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आइकन्स रिप्रेजेंट करते हैं, आइकन्स प्रेजेंट किनको, फाइल्स को, फोल्डर्स को, और एंड एप्स को, यानी कि एप्लीकेशंस को शो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, आइकन्स किसे कहते हैं, ये जो छोटी छोटी पिक्चर्स आप देख रहे हैं ना सामने, इनको आप क्या कह रहे होते हैं, आइकन्स। अब आइकन्स से अगर आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, तो हमारे पास अगला ऑप्शन आता है इसके ऊपर, हाँ चला गया ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे जो ये बार बनी हुई आ रही है, इसको हम क्या कहते हैं, टास्क बार, क्या कहते हैं इसको, हम टास्क बार। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे टास्क, और ये आ गया बार। और टास्क बार के अंदर क्या क्या चीजें शामिल है, पहला बटन है स्टार्ट बटन, तो इसको हम कहते हैं स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन। और स्टार्ट बटन के अंदर जाएंगे तो हमें मिलेगा स्टार्ट मेन्यू, और हमें मिलेगा स्लाइडर, इस हिस्से को कहते हैं स्लाइडर, और इस हिस्से को कहते हैं स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट स्लाइडर। तो हमें स्टार्ट बटन के अंदर जाने पे दो चीजें मिलती हैं, स्टार्ट मेन्यू मिलता है, ठीक है, और एक मिलता है हमें इसके अंदर स्लाइडर, ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबके। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ये टास्क बार है, टास्क बार में हमें मिलता है सर्च बॉक्स। तो यहाँ पर हमें टास्क बार पे आते हैं और इंटर करते हैं, तो यहाँ पे हमें मिलता है सर्च बॉक्स, जो हमें हेल्प करता है कोई भी चीज सर्च करने में,
लेट सपोज कोई फाइल या फोल्डर कुछ भी सर्च करना हो तो यहाँ लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे नोटपैड लिखा, तो अगर ये काम कर रहा है, शायद अभी डिसेबल किया हुआ मैंने इसको, तो नहीं काम कर पा रहा है, नहीं मैंने डिसेबल किया हुआ। तो सर्च बॉक्स में जब भी हम कुछ टाइप करेंगे यूजुअली कंप्यूटर के अंदर, तो वो किसी फाइल फोल्डर या ऐप को ढूंढ के लिए आएगा। सर्च बॉक्स के आगे अगर आते हैं यहाँ पे हम उसको कहते हैं सिस्टम ट्रे, क्या कहते हैं इसको हम, सिस्टम ट्रे। तो यहाँ पे क्लिक करके सिस्टम ट्रे जो है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब सिस्टम ट्रे में क्या शामिल है, जिसमें डेट टाइम आ जाता है, जिसमें ये नेटवर्क का आइकन आ जाता है, ये स्पीकर का आइकन आ जाता है, यहाँ पर देख लें आप इसका जो क्रोम खुला हुआ है या यूएसबी कनेक्टेड है या ये कोई चीज़ रिकॉर्डिंग हो रही है उसके बारे में आपको बता रहा होता है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है आइटम्स का। अब इसके अलावा ये तो आइटम का हो गया, इसके बाद क्या है रीजन्स। अब रीजन किस इलाके, रीजन माने इलाका, कौन से इलाके को हम क्या कहते हैं इसके अंदर। तो जैसे आपको मैंने बताया कि भाई सबसे पहला एक रीजन जो आपके सामने स्क्रीन पर आता है उसको आप कहते हैं डेस्कटॉप। अच्छा ऐसा नहीं है, अगर मैं यहाँ से अपने कंप्यूटर को लॉक करूँ तो यहाँ पर एक और रीजन भी है, इसको हम कहते हैं लॉग इन विंडो। क्या कहते हैं इसको हम, लॉग इन विंडो। यहाँ से आप अपना पासवर्ड है तो वो डालेंगे, अगर नहीं है तो विदाउट पासवर्ड लिख के एंटर करेंगे, तो आप यहाँ देखेंगे कि आप दोबारा से इसके अंदर लॉग इन हो जाएंगे। तो एक इलाका हो गया जिसको डेस्कटॉप कह रहे हैं, और दूसरे इलाके को आप क्या कह रहे हैं, लॉग इन विंडो। ठीक है, और इसके अलावा जब आप लॉग इन हो जाते हैं तो उसके बाद आपको सबसे पहली स्क्रीन जो मिलती है डेस्कटॉप मिलता है, जहाँ से आप किसी भी प्रोग्राम को या काम को या टास्क को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, चला सकते हैं आगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है सबके, आ रही है? ठीक है, तो अब चलते हैं डॉक्यूमेंट्स वाला रीजन हमें कहाँ मिलेगा। अब हमारे पास और भी रीजन है, डॉक्यूमेंट्स है, म्यूजिक है, यहाँ पे पिक्चर्स हैं, यहाँ पे वीडियोस हैं, ये सारे रीजन हमें कहाँ मिलने वाले हैं, दिस पीसी है, ठीक है, और कंट्रोल पैनल है, ये सारे रीजन हमें कहाँ मिलने वाले हैं, और एक और सेटिंग्स का रीजन भी है इसका, ये सब हमें कहाँ मिलने वाले हैं, इनको वन बाय वन देखते हैं। देखिए डॉक्यूमेंट्स में जाना है तो यहाँ क्लिक करेंगे, और यहाँ से क्लिक करेंगे आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा, और ये जो आपके सामने फ्रेम खुला है इस फ्रेम को हम कहते हैं डॉक्यूमेंट विंडो। बेसिकली विंडो जो कॉन्सेप्ट का नाम है वो इस फ्रेम का नाम है, इस फ्रेम का नाम है विंडो। ये एक विंडो है जिसके पार हम देख रहे हैं इसके अंदर क्या है वो हमें यहाँ पे दिखा रहा है। ये डॉक्यूमेंट्स एक फोल्डर है, ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या है, एक फोल्डर है, और इस फोल्डर में क्या क्या रखा हुआ है, क्या फाइल्स हैं, क्या फोल्डर है, वो हमें इसके अंदर दिखा रहा है। तो हम कैसे गए थे डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो यहाँ क्लिक किया था और यहाँ से क्लिक करके हम ऐसे आ गए थे डॉक्यूमेंट्स के अंदर। फिर हम जाएंगे किसके अंदर, दूसरा रीजन हमने आपको बताया था म्यूजिक के अंदर, तो यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, और ये देखिए म्यूजिक आ रहा है, क्लिक करेंगे ये हम म्यूजिक के फोल्डर में आ गए जहाँ पे मेरे कुछ म्यूजिक्स और ऑडियोज रखे हुए हैं इसके अंदर। ठीक है, सेकेंडली अगर मुझे अब कहाँ जाना है इसके अंदर, पिक्चर्स के फोल्डर के अंदर, तो पिक्चर्स के फोल्डर में जाने के लिए मैं यहाँ आया नीचे और यहाँ पिक्चर्स पे क्लिक कर दिया, तो ये देखिए मैं पिक्चर्स के फोल्डर में आ गया जिसमें मेरी कुछ इमेजेस यहाँ पे सेव हुई हैं। ठीक है, और ये सबके सब फोल्डर्स हैं, याद रखिएगा। अब वीडियो के फोल्डर में जाना है तो यहाँ से क्लिक किया और यहाँ से नीचे आया और वीडियोस पे क्लिक कर दिया, तो ये वीडियो के फोल्डर में चले गए, यहाँ पे मेरी कुछ वीडियोस सेव हुई हैं। ठीक है, और ये फोल्डर्स पहले से बने हुए होते हैं, आप नहीं बनाते, ठीक है, विंडोज में ऑलरेडी सेव होते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं, दिस पीसी के अंदर जाना है, तो दिस पीसी में जाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइप कर लें, क्लिक करें दिस, और यहाँ से आ गया दिस पीसी। देखें सर्च करके लिया है, उस टाइम काम नहीं कर रहा था, तो जैसे ही मैंने क्लिक किया दिस पीसी पे तो ये मैं चला गया दिस पीसी में, और यहाँ पे मुझे बता रहा है कि ये आपके कंप्यूटर में एक सी ड्राइव है, एक डी ड्राइव है, एक डीवीडी ड्राइव है, और उनको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, इवन आप यूएसबी लगाएंगे तो वो भी यहाँ से एक्सेस की जाएगी। ठीक है, तो इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है कंट्रोल पैनल, तो ये कहाँ मिलेगा, यहाँ क्लिक करते हैं दोबारा सर्च में कंट्रोल, और ये देखिए कंट्रोल पैनल आ गया। ये कंट्रोल पैनल विंडोज 7 का लेगेसी मोड है जहाँ से हम अपने कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं। इसको खोलने का तरीका ये है, कंट्रोल पैनल के बाद हम जाएंगे सेटिंग्स के अंदर, तो विंडोज 10 में जो लेटेस्ट व्यू दिया है सेटिंग्स का, तो यहाँ से सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और ये सेटिंग्स आपके सामने खुल जाएंगी। पुराने वर्जन में हम सेटिंग्स करते थे कंट्रोल पैनल में से, जैसे विंडोज 7 में और उससे पुराने वर्जन में, लेकिन अब विंडोज 10 में और 8 से ही हमने सेटिंग्स दिए हैं उन्होंने अलग से, बिल्कुल मोबाइल मोड की तरह, तो ये इसमें हम काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा विंडोज 10 के कुछ फीचर के बारे में बात कर लेते हैं। विंडोज 10 के बहुत बड़ा फीचर जो है वो ये है, विंडोज 10 एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इंस्टॉल हो सकता है किस पर, डेस्कटॉप पर, लैपटॉप पर, ये दोनों एक कैटेगरी में आएगा। इसके अलावा स्मार्टफोन पर भी इंस्टॉल किया जा सकता है, इसके अलावा इसको हम टैबलेट में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, इसके अलावा इसको स्मार्ट एलईडी में भी इंस्टॉल किया जा सकता है, स्मार्ट वॉच पे भी इंस्टॉल किया जा सकता है। ठीक है, बहरहाल हमारा अभी मौकफ रहेगा डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर में हम इसकी बात कर रहे हैं। तो विंडोज 10 दुनिया का वाहिद ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्ट एलईडी सब पे इंस्टॉल किया जा सकता है। फिलहाल स्मार्ट एलईडी हटा देते हैं यहाँ से, तो यहाँ तक बहरहाल इसको रख लेते हैं। ठीक है, जबकि अगर बात करें एंड्रॉइड की तो एंड्रॉइड सिर्फ इस पर इंस्टॉल किया जा सकता है, वो डेस्कटॉप और लैपटॉप पर इंस्टॉल नहीं होता। और एप्पल आईओएस की बात करें तो एप्पल आईओएस भी उसके एप्पल के फोन पर ही इंस्टॉल होता है, डेस्कटॉप वगैरह पे वो इंस्टॉल नहीं हो पा रहा, उसके लिए मैकिंटोश यूज करते हैं वो एप्पल वाले। तो ये एक खास बात है विंडोज 10 की। अच्छा, इसको दोनों तरह से डिजाइन किया गया है, इसका जो इंटरफेस है विंडोज 10 का
इंटरफेस क्या कहते हैं, यानी कि जो हमारे सामने इसका लुक आ रहा है इसको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका डेस्कटॉप इंटरफेस भी है और इसका टैबलेट मोड भी इसका इंटरफेस है, मतलब ये दोनों तरह से बनाया गया, मोबाइल के हिसाब से भी बनाया गया और डेस्कटॉप कंप्यूटर के हिसाब से भी बनाया गया। तो अब आ जाते हैं नीचे। तो ये हमने मुख्तलिफ रीजन के बारे में जाना, उनके अंदर कैसे जा सकते हैं। पुराने वर्जन में यहाँ से सेटिंग्स होती थी, नए वर्जन में सेटिंग्स पर जाके हम इसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते थे, विंडोज अपने फोन की सेटिंग्स को चेंज कर रहे होते हैं। तो ये अच्छा है जानना कि आपको सेटिंग्स आ जाए। अब हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है इसके अंदर फोल्डर और फाइल्स का है, ठीक है ना।